भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। भारत की पाकिस्तान को चेतावनी। विदेश मंत्रालय बोला, पाक अधिकृत कश्मीर का आतंक इस्तेमाल करना बंद करे तभी होगी वार्ता। भारत का अभिन्न हिस्सा बताया। पी विजयन होंगे केरल के नए मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता चुनी गई ममता बनर्जी। 24 को सोनोवाल लेंगे असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीट अध्यादेश को दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक साल तक बच सकेंगे राज्य। केजरीवाल ने पीएम से की नीट नहीं बंद करने की अपील। दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी सीएम केजरीवाल पर मानहानि का केस। शिरोमणि अकाली दल के नेता मजीठिया ने किया केस। ड्रग्स व्यापार का लगाया था आरोप। और चक्रवाती तूफान रोनू ने मचाई आंध्र में तबाही। ओडिशा पर भी खतरा। प्रभावित श्रीलंका में भारत ने भेजे राहत सामग्री से लदे दो पोत। और अब नजर डालेंगे आज की 5 बड़ी खबरों पर। पांच राज्यों में चुनावी नतीजों के बाद जहां एक और ताजपोशी को लेकर सियासी गतिविधि तेज हो गई है। केरल में सीपीआईएम ने दिग्गज नेता वीएस अच्युतानंद को साइडलाइन कर पी विजयन को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया है, जबकि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में विधायक दल ने नेता चुन लिया है। शुक्रवार को कोलकाता में टीएमसी विधायक की बैठक में ममता बनर्जी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। ममता ने गवर्नर से मुलाकात कर सरकार बनाने को लेकर दावा पेश किया। दूसरी तरफ तमिलनाडु में बहुमत के साथ सत्ता में वापस आई अम्मा यानी जयललिता 23 मई को, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 27 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्य बोर्डों को एक समान मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के दायरे से एक साल के लिए बाहर रखने संबंधी अध्यादेश को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। सरकारी सूत्र के अनुसार इस अध्यादेश की मदद से राज्यों के बोर्ड राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक साल तक बच सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कह चुका कि विभिन्न राज्यों द्वारा किए जा रहे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेट को अनुमति नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि नीट केंद्र सरकार का सृजन है, इसलिए ये राज्यों के कानून के ऊपर रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट को बंद करने के लिए अध्यादेश नहीं लाए जाने की मांग की है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है जिसमें उच्चतम न्यायालय के नीट परीक्षा को रद्द नहीं करने के आदेश का उल्लेख है। उन्होंने कहा कि नीट को बंद करने का अध्यादेश नहीं लाया जाना चाहिए। सभी छात्र चाहते हैं कि परीक्षा लागू हो। यदि इसे रद्द किया गया तो लोगों में संदेश जाएगा कि केंद्र सरकार काला धन संचय करने वालों का साथ दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई पार्टियों के सांसद और नेताओं के अपने निजी मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। इनमें कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ में पैसे का गोरख धंधा चल रहा है, इसलिए वे नहीं चाहते कि नीट परीक्षा हो। गहरे दबाव का क्षेत्र बनने से आए तेज चक्रवाती तूफान रोनू की वजह से आंध्र प्रदेश के नेलोर जिले में काफी जान माल की क्षति हुई है। जगह जगह पेड़ और बिजली के खंभे टूट कर गिर गए हैं। भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। तेज हवाओं ने शहर की बिजली व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अब यह तूफान आंध्र प्रदेश के बाद उत्तर पूर्व इलाकों के साथ साथ ओडिशा की ओर बढ़ सकता है। साथ इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों में दक्षिण और उत्तर ओडिशा के अधिकतर स्थानों में भारी बारिश और चक्रवाती तूफान आ सकता है। विभाग ने समुद्र तटों से दूर रहने की सलाह भी दी है। रोनू से बुरी तरह प्रभावित श्रीलंका के लिए राहत सामग्री के साथ शुक्रवार को नौसेना के दो पोत भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर का जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियों के संचालन के लिए इस्तेमाल हो रहा है उसे भारत गंभीरता से ले रहा है और हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों को सामान्य करना पाकिस्तान के अधिकारियों के हाथ में है। जब तक वे भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को बंद नहीं करेंगे, दोनों देशों के बीच बातचीत का माहौल नहीं बन सकता। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। बीजेपी असम में जीत के बाद खासी उत्साहित है। बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल जी ने कहा कि ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है।
और मोदी साल के दो साल के कामकाज को देखकर जनता ने यह जीत दिलाई है। उनसे बात की हमारे संवाददाता निशांत राय ने। पांच राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आने के बाद से खासकर आसाम की जीत को लेकर बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय पे खुशी का माहौल है और इस समय हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता गोपाल जी। गोपाल जी, जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं, क्या कहना है आपका और इसका श्रेय किसको जाता है? रिजल्ट बहुत उत्साहवर्धक है और हमारे लिए बहुत अच्छी सूचना है आने वाले समय के लिए। जो भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से प्रयास कर रही है, जो पूरा परिवार ने आसाम में इतना ग्राउंड लेवल पे काम किया है, उसका आज जनता ने वहाँ के स्वागत किया और उसी का परिणाम है कि आज नॉर्थ ईस्ट जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ पर हमारी विचारधारा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उसको पूरे देश के साथ उनको आपस में जोड़ना है। उनके वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, उनके वहाँ की एक जो संस्कृति है उसकी संरक्षण की बात है, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज की बात है। इन सब में जो पिछली सरकारों ने वहाँ भ्रष्टाचार फैलाया था तो उसको भी रोकना था और विकास के साथ उनको पूरे देश के साथ जोड़ना है, तो वह बहुत महत्वपूर्ण विजय आसाम की हमारे लिए है। दूसरी इसके साथ केरला भी बहुत महत्वपूर्ण था, वहाँ भी काफ़ी सालों से सारा परिवार काम कर रहा है। वहाँ पे बाईपोलर जो राजनीति चल रही थी तो उसके अंदर भाजपा को अपनी पैठ बनाना बहुत आवश्यकता थी, तो उसके लिए भी अब जो वोट परसेंटेज भी बढ़ा है और फिर उसके साथ सीटें भी मिली है। पांचों इलेक्शंस को एक साथ देखें तो चाहे आसाम को देख लें, केरला को देख लें, वेस्ट बंगाल को देख लें, इवन तमिलनाडु को देख लें, तो वहाँ पे एक तरीके से भाजपा के लिए बड़े शुभ संकेत हैं कि पूरा देश अब भाजपा की तरफ, विकास की राजनीति की तरफ, और विक्टन वाली राजनीति जो धर्म आधारित राजनीति पे कांग्रेस ने देश को बांटने का प्रयास किया उसके खिलाफ एक मैंडेट है। और कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए कि इतने साल जो उन्होंने इस देश को लूटा है, चूसा है और बांटा है, उसके लिए जनता ने आज उनको एक सबक दिया है। कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए, इन पांच राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद कहना है बीजेपी का। कैमरामैन जॉन के साथ निशांत राय, मेट्रो टीवी, दिल्ली। सीपीआई नेता डी राजा ने पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के हार पर कहा पार्टी इस पर विचार करेगी। केरल के प्रदर्शन से पार्टी उत्साहित है। डी राजा से बात की हमारे संवाददाता निशांत राय ने। You see, every state has one kind of result. In a multi-party democracy, when the elections are held, some parties gain, some parties lose. So one should respect the people's verdict. Having said that, as far as left is concerned, our performance in Kerala was spectacular, and we should thank the people of Kerala. The LDF was expected to come back to power and it happened. In Bengal, our strength has gone down. It is a matter of serious concern. We have to introspect what went wrong as far as electoral tactics is concerned. That we will discuss. The parties in the state will discuss. The parties at national level, we will discuss, we will come to some conclusions, what went wrong. Then Assam is concerned, BJP has won. It is not that nationalist politics of BJP won in the elections. It is in fact sectarian, divisive communal politics has given them an advantage and they got the victory. But it also will lead to many problems in a very sensitive state like Assam. We will have to wait and see. And Tamil Nadu, it is another kind of result because there it is regional parties which are dominating the political scene. दिल्ली में अरुण जेटली की ओर से दायर मानहानि मामले में कोर्ट के चक्कर लगा रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अब पंजाब में भी मानहानि का मामला दर्ज हुआ है। शिरोमणि अकाली दल के नेता बीएस मजीठिया ने केजरीवाल सहित चार लोगों पर मानहानि का मामला दर्ज किया है। केजरीवाल के साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान, दुर्गेश पाठक और संजय सिंह पर ड्रग व्यापार के आरोपों को लेकर मानहानि का मामला दर्ज किया है। मजीठिया ने कहा कि आपके उन पर लगाए गए आरोप एकदम गलत है, ये उनके खिलाफ साजिश का हिस्सा है और वे इसके लिए लोगों को सजा दिलवाएंगे।
असम में जीत और साउथ इंडिया में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन से उत्साहित केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के उत्साह पर उनके अपने ही कार्यक्रम में पानी फिर गया। ऊर्जा मंत्री मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान करने पहुंचे थे, लेकिन खुद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ऊर्जा की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें दो बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। दरअसल मोदी सरकार की दो साल की उपलब्धियों का बखान करने के लिए आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल बोल रहे थे, उस दौरान कार्यक्रम स्थल की बिजली दो बार गुल हो गई। इस दौरान गोयल पूरे 133 सेकंड तक अंधेरे में रहे। भारतीय सेना के आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के खात्मे को लेकर चलाए जा रहे ऑपरेशन को झटका लग सकता है। हिजबुल के पोस्टर बॉय बुरहान मुजफ्फरवानी को दक्षिणी कश्मीर में देखा गया है। मीडिया को मिले एक वीडियो में बुरहान संगठन में भर्ती किए गए नए लड़कों के साथ दिख रहा है। घाटी में बीते कुछ समय में सेना ने नए एनकाउंटर ऑपरेशन के जरिए हिजबुल को पूरी तरह खत्म करने का दावा किया है। अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि सेना ने हिजबुल के बुरहान ग्रुप के आतंकियों का पूरी तरह सफाया कर दिया है। बता दें कि हिजबुल का बुरहान ग्रुप पिछले एक साल से दक्षिणी कश्मीर में सोशल मीडिया पर वायरल है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी अब्दुल वाहिद सिद्दीक बापा को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। एनआईए ने उसे सुबह 5 बजे आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अब्दुल वाहिद भारत में हुए कई आतंकी हमलों की साजिश में शामिल था। यही नहीं, उसने इंडियन मुजाहिदीन के लिए आतंकियों की भर्ती भी की थी। वही दुबई में बैठकर आतंकी गतिविधियों को प्रमोट करता था। जुलाई 2006 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट, 2008 में दिल्ली में हुए ब्लास्ट और 2010 में बंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए धमाकों में वाहिद वांटेड था। उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। उसे साल 2014 में भी ट्रेस कर लिया गया था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। पीएम से किया अपना वादा निभाते हुए मुंबई के मशहूर सिद्धि विनायक मंदिर ने प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में 44 किलो सोना जमा किया है। मंदिर के ट्रस्ट ने पिछले साल दिसंबर में ऐसा करने की घोषणा की थी। ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र पाटिल ने कहा, सोने को पिघलाने का काम सरकारी टकसाल में किया जाएगा। इस सोने पर मंदिर को हर साल 2.25% की दर से ब्याज मिलेगा। अथॉरिटीज के मुताबिक सोना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचों में रखा गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सोने का भंडार बढ़ाने के उद्देश्य से गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की शुरुआत की थी, क्योंकि भारत सोना आयात करने वाले देशों में सबसे आगे है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे घोषित होते ही एक बार फिर हिंसा की खबरें आने लगी है। दीदी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही एक तृणमूल कार्यकर्ता को कथित तौर पर कांग्रेस समर्थकों ने मौत के घाट उतार दिया। वहीं हावड़ा में सीपीआईएम के दफ्तरों में भी तोड़फोड़ की गई है। तृणमूल कार्यकर्ता लक्ष्मण प्रमाणिक को कथित तौर पर कांग्रेस समर्थकों ने मार दिया है। दो अन्य टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भी हमले में घायल होने की बात कही। वहीं हावड़ा में कम से कम 2 सीपीआईएम दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई। ये तोड़फोड़ कथित तौर पर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने की है। सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने क्रूड बम फेंके जाने पर भी आरोप लगाया है। घटना के बाद पुलिस को तैनात कर दिया गया है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरें जानने के लिए बने रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।